की फ्लाइट जो है डायवर्ट हुई है, डायवर्ट होकर जयपुर फ्लाइट पहुंची है। नागपुर से दिल्ली जा रहे थे राहुल गांधी, नागपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट डायवर्ट हुई है। कोहरे की वजह से डायवर्ट की गई है फ्लाइट, दिल्ली हवाई अड्डे पर कोहरे की वजह से ये रूट बदला गया है। आपको बता दें कि इस वक्त कोहरा बहुत अधिक पड़ रहा है, जिसके वजह से कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिन्हें डाइवर्ट किया गया है। ऐसे में एक फ्लाइट जिसमें राहुल गांधी सवार थे, उस फ्लाइट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। कारण सामने आया है कोहरा, दिल्ली हवाई अड्डे पर कोहरे की वजह से ये रूट बदला गया है। और अब राहुल गांधी की जो फ्लाइट दिल्ली में लैंड होनी थी वो जयपुर में लैंड होगी, ये जानकारी सामने आई है। दरअसल नागपुर से दिल्ली जा रहे थे राहुल गांधी, ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। नागपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को डायवर्ट किया गया है। कोहरा इस वक्त बहुत ज्यादा पड़ रहा है, जिसके चलते आवागमन करने में मुश्किलें हो रही हैं। और ऐसे में क्योंकि फ्लाइट्स का डायवर्जन लगातार जारी है कोहरे की वजह से, और ऐसे में राहुल गांधी की भी फ्लाइट जिसमें वो सवार थे उस फ्लाइट को भी डायवर्ट किया गया है। नागपुर में कल बड़ी रैली थी स्थापना दिवस के मौके पर, ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण जो हैं वो सभी नागपुर में मौजूद थे और राहुल गांधी भी नागपुर थे। ऐसे में वो दिल्ली वापस आ रहे थे और इस दौरान दिल्ली में उनकी फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई, उसे डाइवर्ट कर दिया गया है, जयपुर वो लैंड होगी। अब कोहरे की वजह से फ्लाइट्स का डाइवर्जन लगातार जारी है, तो ऐसे में ये आपके लिए भी खबर है कि अगर आप अपने घर से बाहर निकल रही हैं और कहीं आपको फ्लाइट लेनी है तो एक बार अपने शेड्यूल को चेक कर लें, क्योंकि लगातार फ्लाइट्स का डायवर्जन जारी है। किसी भी तरीके का कोई खतरा ना हो इसके लिए फ्लाइट्स डायवर्ट की जा रही हैं। कोहरा लगातार घना बना हुआ है। और अजमेर से बड़ी खबर आपको देंगे, सीएम भजनलाल का अजमेर दौरा, प्रस्तावित है विकसित भारत संकल्प यात्रा।